Assalamu alaikum, dear engineers. आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमने अपने टुकेट ड्राइंग को जब बना लिया है तो इसको हम पी में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे इसका प्रिंट आउट कैसे लेंगे और डिफरेंट फॉर्मेट में इसका प्रिंट आउट विद द डिफरेंट पेज सेटिंग्स हम कैसे लेंगे ठीक है अगर हमने अपना प्रिंट आउट लेना है ऑन ए फोर पेज या ए थ्री पेज या ए टू पेज तो उस हिसाब से हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे सो द वीडियो

प्रीवियस प्लॉट आर इम्पोर्टेड आर व्हाट एवर इट इज़ सो नो नी टेक एनी ऑफ दिस ऑप्शन नन रख ले एंड फिर यहाँ पर आप आ जाए प्रिंटर प्लॉटर पर सो कौन से प्रिंटर से किस टाइप का प्लॉट आप लेना चाहते हैं फॉर टाइम बींग आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन पी डी एफ ओनली तो इस डी डब्ल्यू जी फॉर्मेट को मैं पी डी एफ में सेव करना चाहता हूँ देयर आर मल्टीपल ऑदर ऑप्शन अवेलेबल वेयर सम आर डायरेक्टली कि हम इसको यहाँ से प्रिंट आउट ले लें और सम ऑफ देम आर कि हम इसको पहले पी में सेव करके रिव्यू कर ले और उसके बाद इसको प्रिंट आउट कर ले सो डी डब्ल्यू जी टू पी डी एफ में इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि जब इस पी डी एफ को हम सेव कर लेंगे और इससे वापस हमने अटोकेट फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करना है या डी डब्ल्यू जी फॉर्मेट में सेव करना है सो दिस विल बी ईजी एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शन ठीक है तो मैं इसको ले लेता हूँ देन गो टू दिस ऑप्शन यहाँ से आप पेज टाइप सेलेक्ट कर ले जिस पेज में आपने इसको सेव करना है सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल लेट्स से मैं यहाँ से ए थ्री पेज सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ लाइक कॉमनली वी यूज ए थ्री पेज और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एज डिस्प्लेड तो एज डिस्प्लेड से अगर आप देखेंगे प्रीव्यू पे तो जो भी हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहा था वो सब कुछ यहाँ पे एक फॉर्मेट में आ जाएगा और उसको हम पीडीएफ में प्रिंट आउट कर सकते हैं लेकिन आई रिकमेंड कि आप एज डिस्प्ले के बजाय विंडो पे चले जाए एंड सेलेक्ट द विंडो एंड गो टू दिस विंडो ऑप्शन और कोई भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी विंडो आप सेलेक्ट कर ले एंड सी यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू में ओनली दैट पर्टिकुलर ड्राइंग इज़ अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग नाउ ओके इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मज़ीद कुछ ऑप्शन है लाइक like सेंटर्ड तो यू प्रीव्यू में आप देख ले इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट सेंटर्ड तो इसको सेंटर कर ले तो आपका पूरा ड्राइंग सेंटर पे आएगा एंड सिमिलरली फिट टू पेज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फिट टू पेज आपका चेक होना चाहिए अदरवाइज पेज के इर्द गिर्द कुछ एरिया हमारे पास ज़ाया हो जाएगा एंड नाउ कमिंग टू दीज ऑप्शन सो आइदर यू वॉन्ट टू कीप इट इन पोर्ट्रेट आर एंड लैंडस्केप सो सी इट इन द प्रीव्यू, यहाँ पे पोर्ट्रेट में करेंगे सो दिस इज़ नॉट दैट सूटेबल वे टू डू इट लैंडस्केप में ये अच्छा आ रहा है ठीक है एंड अप साइड डाउन भी आप इसको कर सकते हो उल्टा भी रख सकते हो इसको नाउ यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है दीज ऑप्शंस आर फॉर कि आप इसको ग्रेक फॉर्मेट में या कुछ और फॉर्मेट में करना चाहते हो सो यू कैन डू इट सो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास सेलेक्टेड है इसको ना डिस्टर्ब करे और यहाँ पे शेड प्लॉट में आप आ जाए सो एज डिस्प्लेड इसको रख ले एंड क्वालिटी को आप मैक्सिमम रख ले ताकि हम अगर इसको बड़े पेजेस पे भी इसको प्रिंट आउट करेंगे सो इट विल be easy. Now प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट उसको चेक होना चाहिए क्योंकि ये हमें वो थिकनेस देगा जो हमने लेयर्स में एक पर्टिकुलर लाइन के लिए सेलेक्ट कर रखी है प्लॉट with प्लॉट स्टाइल जिस तरह आप प्लॉट स्टाइल रखना चाहते हो यू कैन यूज़ द stamp पुअर हेयर उसके लिए आपको यहाँ पे stamp डिफाइन करना पड़ेगा वो यहाँ पर आप डाल सकते हो एंड नाव गो टू द प्रिव्यू एंड सी कि जो हमने ड्राइंग जिस तरह प्रिंट आउट हम करना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी सेटिंग हो चुकी है या नहीं इफ इट इज़ ओके तो आप यहाँ पे प्रिंट पे चले जाए एंड यहाँ से आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर ले जिसमें आपने इसको सेव करना है मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू एडिट द नेम ऑफ द टू टूम एलिवेशन मैंने कर दिया है ओके okay, इसको सेव कर ले दैट पार्टिकुलर नेम इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड गो टू दैट फोल्डर जहाँ पे ये पड़ा हुआ है गो टू डाउनलोड्स एंड गो टू दैट है तम एलिवेशन इसको आप देख लें एंड सी यहाँ पे हमारे पास ये अब जो हमने पी सेव किया था जिस भी फॉर्मेट में हमने सेव किया है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है नाव वी कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस पी एंड नाव इफ़ यू वॉन्ट टू कीप योर ड्राइंग कलरफुल और जो पी डी एफ आप लेना चाहते हो उसको आप कलरफुल रखना चाहते हैं और जो कलर्स हमने यहाँ पर ड्राॅंग में दे रखी है वही कलर्स वहाँ पर नजर आए प्रिंट आउट में भी सो so, उसके लिए आपने क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर मोनोक्रोमी ऑप्शन पर जाके यहाँ पर आप पुल डाउन में स्क्रीन हंड्रेड परसेंट कर लेके एंड एसाइन दिस प्लॉट स्टाइल टेबल टू आर लेआउट्स आउट्स इसको येस yes कर ले एंड नाउ गो फॉर द प्रीव्यू और इसमें आप देख ले ऑल द स्टफ़ अवेलेबल इन द ड्राइंग विल बी इन द कलर्स दैट आर गिवन टू इट ठीक है जो जो भी हमारे पास लेयर्स की कलर्स है वही यहाँ पे आ जाएंगी अब इसको आप सेव कर ले ओके एंड गिव इट द नेम एज वी हैव गिवन फॉर द एलिवेशन तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी हथम एलिवेशन कर ले एंड इसको आप कलरफुल रख ले, ठीक है सो मैंने इसको कलर रख दिया है ओके okay कर सेव इट सो जो भी आपके पास अभी पीडीएफ है दिस पीडीएफ इज़ एग्जैक्टली ऑफ द सेम कलर्स जो हमारे पास मौजूद है इस ड्राइंग में ओके okay? सो so इसको आप जूम आउट कर लें सो एग्जैक्टली सेम कलर्स है हमारे पास जो हमें चाहिए या जो हमने ड्राइंग में दे रखे हैं दैट्स हाउ यू कैन चूज द कलर ऑफ द ड्राइंग आइदर यू वॉन्ट टू कीप इट ब्लैक एंड वाइट ताकि हमारे पास प्रिंट क्लियर आ जाए या आप इसको कलरफुल रखना चाहते हैं ताकि जो इसका लुक है वो खूबसूरत नज़र आए सो दैट्स ऑल अबाउट दैट पी डी एफ प्लॉट एंड प्रिंट कमांड सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंगलैक्म